₹2 ₹2 ₹2 झंडे भैया ₹2 मैं दे ₹2 भैया ठीक है आ गए झंडे ₹2 झंडे ₹2 अभी झंडे ले लो झंडे ये झंडे ₹2 ये झंडे ये झंडे ₹2 अरे नहीं चाहिए भैया अरे नहीं चाहिए भैया इसके झंडे लेने के भी औकात नहीं है तुम्हारी बोल रहा है क्या बोला था भैया मैं तो ये बोला था ₹2 में झंडे ले लो बात मत कर समझ गया ना तुझे भी खरीद सकते हैं और तू जिस जगह पर खड़ा है ना उसे भी हम खरीद सकते हैं हमारी इतनी औकात नहीं हम देश का झंडा खरीद ले तुम्हें शर्म नहीं आती है ₹2 में देश बेच रहे हो होली आती है जब तुम पटाखों की दुकान लगा लेते हो जब होली आती है तब तुम रंगों की दुकान लगा लेते हो तो सब ठीक है मगर अब तुम देश का झंडा भी बेचने लग गए लोग बोलते हैं ना आतंकवादी सबसे बड़े आतंकवादी तो तुम हो जो हमारे देश का झंडा बेचने निकल गए ऐसे लोगों की वजह से देश का नाम खराब हो रहा है पता है तुमको एकदम सही बोले भैया आप इन देशों की वजह से हमारे देश का नाम खराब हो रहा है और तुम लोगों ने ये झंडा खरीद लिया तुम लोगों की अपना इस झंडे की कीमत क्या है ये झंडा है ना हमारे दिल में बसता है दिल में तेरा झंडा हमारी इतनी औकात नहीं है हमारी औकात नहीं है भैया भैया सही बोल रहे हैं झंडे बेच रहा है ना कल ये झंडे तुझे कचरे के ढेर में पड़े हुए मिलेंगे पता है तुझे ऐसा नहीं होने दूंगा मैं क्या नहीं होने देगा इस झंडे को फोटो फ्रेम में लगा के अपने घर पे लगा सकता है क्या बोल ना तुम्हारा ये हमारे देश का झंडा है कोई मजाक नहीं है अरे वो ये सिर्फ एक दिखावा है देशभक्ति तो दिल से होती है तुझ में थोड़ी सी भी शर्म हो हाँ भैया आज तुमने मेरी आंखें खोल दी अब मैं ये झंडे उसको फिर से देख के आऊंगा बंदा समझ गया